प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन स्मार्ट इंडिया हैकथॉन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस दौरान वो छात्रों को आत्मनिर्भर भारत के तहत अधिक से अधिक तकनीकी इजाद करने को भी प्रोत्साहित करेंगे। राम मंदिर की नींव में स्थापित कराने के लिए तैयार रजत शिला आज श्री कृष्ण जन्मभूमि से अयोध्या के लिए रवाना होगी। इससे पहले शुक्रवार को बांके बिहारी मंदिर के मुख्य द्वार एवं यमुना किनारे के इसी घाट पर शिला का पूजन किया जाएगा। किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6वीं किस्त आज से डाली जाएगी। मोदी सरकार ने योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश के 9.85 करोड़ किसानों को नगद लाभ पहुंचाया है। कैश इनफ्लो डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए कई बैंक ने आज से न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज लगाने का ऐलान किया है। बैंकों में 3 मुफ्त लेनदेन के बाद शुल्क भी वसूला जाएगा। कम बैलेंस होने पर बैंक मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में 75 रुपए, अर्ध शहरी क्षेत्र में 50 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 20 रुपए हर महीने शुल्क लेगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वंदे भारत मिशन का 5वां चरण आज से शुरू हो रहा है। 5वें चरण में 23 देशों से भारतीयों को लाने के लिए 792 उड़ानें निर्धारित की गई हैं, जिनमें 692 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और 100 घरेलू उड़ानें हैं। कुवैत में आज से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू हो रही है। हालांकि 7 देशों के नागरिकों को कुवैत में प्रवेश पर बैन लगा दिया गया है। इनमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, बांग्लादेश और फिलीपींस शामिल है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय को भी इस बारे में जानकारी है। कोविड-19 के इस दौर में आज से तुर्की सरकार 4 देशों के पर्यटकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा बहाल करने जा रही है। इन देशों में भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका और कुवैत हैं। इसके साथ ही इराक, उज्बेकिस्तान, केन्या, मिस्र, किर्गिस्तान और अल्जीरिया के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा बहाल करने की योजना बना रही है। हालांकि इसमें अभी वक्त लग सकता है। छत्तीसगढ़ में छात्रों की पढ़ाई को पटरी पर लाने की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आज से प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो रही है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाने की जिम्मेदारी विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को सौंपी गई है। आज से कार बाइक खरीदना सस्ता हो जाएगा। कार के लिए 3 साल और बाइक के लिए 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर लेना जरूरी नहीं होगा। बीमा नियामक इरडा ने लॉन्ग टर्म पैकेज थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज पॉलिसी नियमों को वापस ले लिया है। फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है। फिल्म 12 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। फिल्म में जानवी कपूर लीड रोल में है। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।